ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ आप दा साथ दें दी अपील कीती। दिल्ली के ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जैसा माहौल था, आज पंजाब की ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उससे बेहतर माहौल है। यानी कि जनता या तो बिल्कुल खुल के बाहर आ गई है, जैसे संगरूर में है, जैसे फरीदकोट में है, बिल्कुल खुल के जनता सारे डर वर को साइड में रख के बाहर आ गई है, या फिर काफी जगह पे साइलेंटली जनता एश्योर कर रही है कि हाँ चेंज करेंगे, चिंता नहीं करो। मैं छोटा सा वाकया यहाँ जिक्र करना चाहूंगा। कल सुबह हमने जलंधर में अपना कैंपेन जब शुरू किया तो एक लड़की आई 10 साल की, कमलप्रीत कौर, चिट्ठी लेके आई। वो चिट्ठी हमने वेबसाइट पे डाली है और वो बच्ची ने कहा कि मैंने जितना भी अपनी गुल्लक में सेविंग की है, आप देश के काम के लिए निकले हो, दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं इस पार्टी को अपनी सारी सेविंग देती हूँ। और जब हमने खोला उस गुल्लक में 4,891 रुपए निकले एक बच्चे की गुल्लक में, और उसने सारा इस पार्टी के लिए दे दिया। इस तरह के इतने एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। इस टाइम पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार के खिलाफ लोग इतना गुस्सा है, जो भ्रष्टाचार है, जो धक्केशाही है, उसके लेके तो गुस्सा है ही है और वो गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच गया है। लेकिन इस सब के साथ ड्रग्स के सवाल को लेके, नशे और ड्रग्स के सवाल को लेके लोगों के मन में एक तरह से तो गुस्सा लिमिट पार कर जाता है और लगता है कि बस अब बहुत हो गई। नशे के सवाल को लेके हर जगह पे, गांव-गांव में, शहरों में, सब तरफ लोग नाराज हैं। मैं हर सभा में पूछता हूं कि पंजाब में नशे का व्यापार कौन चलवा रहा है। लोग खुल के मीटिंग्स के अंदर पंजाब के एक पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं, पंजाब की बड़ी फैमिली से जुड़े हुए एक आदमी का, जो काफ़ी लीडिंग पॉलिटिशियन है, नोटोरियस पॉलिटिशियन है यहाँ का, उसका नाम लेते हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो आप समझ जाते हैं कि उस रिजीम का, उस सरकार का अंत समय नज़दीक आ गया है। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।